उत्तराखंड लक्सर के बालावाली रोड पर खरंजा कुतुबपुर के पास सड़क किनारे एक शव मिला। शव मिलने की सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। खरंजा कुतुबपुर से सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर पहुंचे और शव की पहचान कर ली गई। शव खरंजा कुतुबपुर के ही 40 वर्षीय शफीक का निकला। शव मिलने की सूचना लक्सर पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि होली के अगले दिन शफीक को उनके गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा बुला लिया गया था। जब रात 11 बजे तक वह वापस नहीं लौटा, उसके बारे में जानकारी की गई, लेकिन कोई संतुष्ट जवाब ना मिलने के बाद लक्सर पुलिस को तीसरे दिन तहरीर दे दी गई। लक्सर पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की। आज सुबह लोग इकट्ठा होकर कोतवाली पहुंचे और पुलिस पर कार्यवाही करने का दबाव बनाया। इसके बाद पुलिस ने आज करीब 20 दिन बाद मामले में गुमशुदगी दर्ज की। परिजनों ने घर पहुंचने के बाद एक बार फिर तलाश की तो शफीक का शव सड़क किनारे बने गहरे गड्ढे में मिला, जो बुरी तरह से सड़ा हुआ था। परिजनों का आरोप है कि अगर पुलिस समय रहते कार्यवाही करती तो शायद शफीक की जान ना गई होती। वो घर से बुला के लेगा सादिक, घर से साइकिल पर लाया तो फोन उठा रहा था, फोन भी नहीं उठाने दिया इसको। इसको लाया फिर यो नहीं मिला हमें। उसके बाद हमारी बहू उसके घर गई 11:30 बजे, उसके नहीं नहीं मिला। कितने दिन से गायब था यो? भाग वाले दिन से गायब है। तो कैसे पता लग गया? हम थाने में गए थे, रिपोर्ट दे गए थे उसी दिन। हम इन्होंने रिपोर्ट ले ली, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चिट्ठी नहीं दी इन्होंने, काट मारी। आज डेड बॉडी का काम आज। उसके बाद थाने में गए हम सब लोग, 20-25 लोग हम थाने में गए। थाने में दबाव दिया, जब जागो हम चिट्ठी काट को। उसके बाद हम घर आ गए। घर हमने 10-20 बच्चे भेजे अपने बच्चे सारे। मैं कहा भाई उधर देखा हो, रिश्तेदार भी सब इधर आए मोटरसाइकिल पर। इन्होंने देखा इधर उधर, तो खत्ते में मेरे लड़कों को ले जाने, उन्हें खत्ते में इन्हें लाश मिली पड़ी हुई। जुगुदू अपना अभी तक हाथ नहीं लगा, जुगुदू वहीं पड़ी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।